वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि गाली नहीं दूंगा, कुछ अच्छा ही बताऊंगा। दोस्तों अगर दुनिया में डरावनी जगहों की बात करते हैं तो दुनिया डरावनी जगहों से भरी हुई है। हम रोज ही इतनी सारी डरावनी जगहों के बारे में बातें सुनते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ते रहते हैं और गूगल पर भी यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारी डरावनी जगहों के बारे में देखा होगा। लेकिन अगर भारत में डरावनी जगह की बात करते हैं तो नंबर वन पर रैंक करता है राजस्थान के अलवर जिले में बना हुआ भानगढ़ का किला। दोस्तों 16वीं शताब्दी में बने हुए भानगढ़ किले की जो रियासत थी उस पर राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह का राज था। लेकिन यार इस किले का विनाश बहुत ही जल्द हो गया। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी कहानियां बताई जाती है लेकिन जो दो मेन कहानियां वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों पहली कहानी तो ये है कि यहाँ पर एक साधु थे जो यहाँ पर तपस्या करते थे और जब किले का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने इसके राजा को कहा कि किले की हाइट इतनी कम होनी चाहिए कि उसकी जो परछाई है वो मेरी तपस्या वाली जगह पर ना पड़े। तो साधु का मान उन राजा ने भी रखा और किले की हाइट इतनी नहीं बढ़ाई कि उसकी परछाई साधु की तपस्या वाली जगह पर जाए। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ थी उनको इसका पता नहीं था या उन्होंने इसका निरादर कर दिया। उन्होंने जब ऊपर वाली मंजिलें बनाई तो किले की परछाई साधु की तपस्या वाली जगह पर जाने लगी। तब साधु ने गुस्सा करके उस पर क्रोध किया और उन्होंने एक श्राप दिया कि इस किले का बहुत ही जल्द विनाश हो जाएगा। तो एक कहानी तो यह है कि उस श्राप की वजह से भानगढ़ का विनाश हो गया और दूसरी कहानी इस तरह है कि यहाँ की जो राजकुमारी रत्नावती थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत सारे राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन जब एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गया और उसने जहाँ से राजकुमारी के लिए इत्र जाता है उस इत्र की बोतल पर जादू टोना कर दिया। उन्होंने कुछ इस तरह का तंत्र मंत्र किया था कि जब जो भी उस इत्र को लगाता है वो उनकी तरफ खींचा चला आता है। तो यार ऐसे में जब वो बोतल राजकुमारी के पास जा रही थी तो एक चट्टान पर गिरकर वो बोतल टूट गई और इत्र जो है वो चट्टान को लगा और वो चट्टान खींची हुई चली गई और उस तांत्रिक को कुचल दिया। तो जब तांत्रिक मर रहा था तो उसने श्राप दिया कि बहुत ही जल्द भानगढ़ वीरान हो जाएगा और उसी के श्राप से भानगढ़ में बहुत ही जल्द एक लड़ाई हुई और उससे सभी लोग मारे गए। दोस्तों भानगढ़ धीरे धीरे वीरान होता चला गया और उसने ये भी श्राप दिया था कि जो भी लोग मरेंगे उनकी आत्मा यहीं पर बस जाएगी, किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों उसी के साथ भानगढ़ में हजारों आत्माएं रहती हैं। भानगढ़ का किला शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले बहुत ही खतरनाक माना जाता है। भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और सख्त तौर पर कहा गया है कि शाम होने के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ पर कोई ना आए। तो इसी से हम मान सकते हैं कि ये कितना डरावना है क्योंकि सरकार तो भूतिया बातों पर मानती नहीं है और उन्होंने कह दिया है इसका मतलब ये सच में भूतिया है। अब ये भूतिया है या नहीं है लेकिन ये बात सच है कि गूगल पर सर्च होने वाला ये सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ है डरावनी चीज़ों में और भारत की डरावनी चीज़ों में ये नंबर वन पर रैंक करता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए।